सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सेवंथ क्लास में आज हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है FA 2 और SA 1 का। यह है प्रश्न नंबर 21। एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार AB तथा कोणों का अनुपात 2:3:4 दिया है। तो हमने कैसे इसको सॉल्व करना है, हमें दिया हुआ है AB रेखा। हम सबसे पहले एक AB रेखा ले लेते हैं यहाँ पे, ये हम लेते AB रेखा और हमने क्या करना है, B जो है B की साइड को इस रेखा को थोड़ा हमने आगे डॉटेड बढ़ा देना है इस तरह से। हम इसको आगे बढ़ा देंगे, इसके बाद हम B पॉइंट पर एक अर्धवृत्त लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं ई और इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे डी। जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हमारे पास दिया हुआ है 2:3:4, तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो 2 और 3 5 और 4 9। हमने इसको कैसे डिवाइड करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब हमारा जो ये अर्धवृत्त है यहाँ पे है, ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो यदि हमने इनको 9 भागों में बांटना है तो 9 × 2 = 18 0 0, तो ये हमारा आ गया 20 डिग्री। मतलब कि एक कोण जो हमारा बनेगा वो 20 डिग्री का बनेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये आपकी D है, या तो आप यहाँ से D से 20 डिग्री पे ऐसे निशान लगा दो, 40 60 80 100 120 140 160 और इस तरह से निशान लगा दो, या प्रकार खोल के भी 20 डिग्री जितनी प्रकार खोल के भी आप इसमें निशान लगा सकते हैं। यहाँ से ये आपका 1 आ गया, ये आपका 2 आ गया, 2 भाग हो गए, ये आपके 3 भाग हो गए। या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे आपने प्रकार खोल दी, पहले 20 डिग्री तक प्रकार खोल लो आप, ये तो उतने प्रकार खोल के आप आगे इसमें निशान लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है, इस तरह से या ये ठीक है। जैसे ये 1 2 3 4, यहाँ से ऐसे 5 6 7 8 और एक भाग हमारा बच गया, ये आ गया 9। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका एक भाग बच गया है। यहाँ पे हम इसमें लिख लेते हैं, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। इस तरह हमने अर्धवृत्त के जो है वो 9 बराबर भाग कर दिए हैं। अब इसने क्या कहा है, एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार AB और इस अनुपात में हमने बांटना है, इसके हिसाब से हमने त्रिभुज बनानी है। तो पहला पॉइंट हमारे को दिया हुआ है 2, तो हमने क्या करना है, B जो आपका है B को हमने 2 के साथ यहाँ पे मिला देना, और अभी हमने ये डार्क लाइन नहीं लगानी है, हल्की लाइन लगाएंगे हम इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हमने 2 और 3 कितने होते हैं, 5, तो हमने B से 5 से हमने ये हम लाइन लगाएंगे डॉटेड यहाँ से, इस तरह से हमने डॉटेड लाइन लगा दी। अब हमारे पास आगे है 4, तो 1 2 3 4, तो ये 2 3 और 4 भागों में हमने अर्धवृत्त को बांट दिया। अब इसकी त्रिभुज कैसे बनाएंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो हमारे पास B और 5 है, ये जो आपका दूसरा भाग आया था 2 और 3, तो हमने इतनी फुट्टा लगाना है इसके साथ इतनी दूरी पे, इसके समानांतर रेखा हमने खींचनी है A से, इस तरह से हम A से खींचेंगे, ये आपकी आ गई। अब हम इसको डार्क मिला देंगे इस तरह से, ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट हमारा आ गया C, और हमने B और C
सी को अब हम इसको डार्क ऐसे मिला देंगे। जो हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन आई है इस लाइन को हम यहाँ से हटा देंगे, मिटा देंगे। इस तरह से जो ये आपका प्रश्न नंबर 21 है वो बन के हमारा तैयार हो गया है। ये हमने 2:3:4 के अनुपात के कोणों के समान जो है एक हमने त्रिभुज बना ली है, और इस तरह से हमारा ये FA2 और SA1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब मैंने आपको 21 क्वेश्चन जो है वो 7th क्लास के करवा दिए ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के। अब आपने अच्छे से इसकी तैयारी करनी है ताकि आपका FA1 का जो पेपर हो वो बहुत अच्छे से और अच्छे नंबरों से आप पास हो जाए।